हे माय डार्लिंग फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ कुछ हट के सा वीडियो। थंबनेल से पता लग गया होगा आप सबको, मैंने परचेज किया है नायका से मोस्ट हाइप्ड और सबसे ज्यादा सेल होने वाले प्रोडक्ट्स, जिसपे थाउजेंड्स में लोगों ने रिव्यू दे रखा है। ये प्रोडक्ट्स पॉपुलर होने के साथ साथ अफोर्डेबल भी है। आज मैं करूंगी इन्हें टेस्ट। हाँ जी, इन्हें मेरे एक्सपेक्टेशन की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। मुझे देखना है और आप सबको भी दिखाना है कि इन प्रोडक्ट्स को लेकर इतना हाइप क्यों है। जो फर्स्ट दो प्रोडक्ट्स मैं ट्राई करूंगी वो है हीट प्रोटेक्शन हेयर स्प्रे। मैंने दो बहुत पॉपुलर और गजब का सेल होने वाला स्प्रे मंगवाया है, जिन्हें मैं अपने हेयर के दो अलग पोर्शन में ट्राई करूंगी। ये है बी ब्लंट हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट। ये 150 ml का बॉटल है, जिसका प्राइस 459 rupees है और ये बहुत ज्यादा सेल होता है नायका पे, और इस पे करीब 6000 लोगों ने रेटिंग दी है। वाओ, इसे हेयर पे स्प्रे करने से फाइन मिस्ट की तरह निकलता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। वैसे खैर, क्योंकि ये फाइन मिस्ट है तो बालों में अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। हीट प्रोटेक्शन दे के बालों को डैमेज होने से कितना बचाता है ये तो बाद में पता चलेगा, पर हाँ, हेयर के फ्रिजीनेस को कंट्रोल करता है और हीटिंग वॉन्ड से कर्ल काफी डिफाइंड और स्मूथ भी बनते हैं। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है स्क्वाशकॉफ प्रोफेशनल ओसिस हीट प्रोटेक्शन हेयर स्प्रे। इस 200 ml के बॉटल का प्राइस है 874 rupees। ब्ली ब्लंट वाले से डबल रेट है इसका और इसे करीब 1000 लोगों ने रेटिंग दी है और बहुत ने रिव्यू में बेस्ट हेयर स्प्रे लिखा है। ये प्रोडक्ट फाइन मिस्ट की तरह नहीं निकलता है, तो इसे हेयर के डिफरेंट सेक्शन पे स्प्रे करना पड़ता है और बॉटल को ट्विस्ट करके लॉक अनलॉक कर सकते हैं। डैमेज से कितना प्रोटेक्शन देगा बाद में पता चलेगा, पर इसका परफॉर्मेंस बी ब्लंट वाले से कुछ डिफरेंट नहीं लगा मुझे, तो मेरे लिए मुश्किल हो गया है किसको बेटर बोलूं, क्योंकि प्राइस को छोड़ दोनों ही इक्वली गुड है। ओके, मैंने ये लॉरियल प्रोफेशनल टेक्निकल कंस्ट्रक्टर थर्मो एक्टिव स्प्रे भी खरीदा है। बहुत बड़ा नाम है भाई साहब। वैसे ये प्रोडक्ट्स प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट बहुत यूज़ करते हैं, तो आई थॉट ऑफ टेस्टिंग इट टू। इस 150 ml बॉटल का प्राइस है 660 rupees और ये हेयर में टेक्सचर एंड होल्ड देने के साथ साथ हीट से भी प्रोटेक्शन देता है। दैट्स व्हाट इट क्लेम्स एंड आई टेल यू, ये बिल्कुल सच है। हेयर को कर्ल करने से पहले और कर्ल करने के बाद स्प्रे करने से कर्ल सुपर डिफाइंड हो गए, और जब तक मैंने हेड वॉश नहीं किया कर्ल्स अपने शेप में ही थे। आई जस्ट लव 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 दिस वन। हेयर बिल्कुल कमर्शियल वाले मॉडल टाइप्स हो गए थे मेरे। नेक्स्ट मैंने खरीदा है ये मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपरस्टे फुल कवरेज फाउंडेशन। ये फाउंडेशन बहुत बहुत ज़्यादा हाइप्ड एंड पॉपुलर है नायका पे और करीब 30,000 लोगों ने इसे रेट किया है। सो आई थॉट ऑफ चेकिंग इट आउट एंड मैंने पाया कि ये वाकई में कमाल का फाउंडेशन है। थोड़ा सा फाउंडेशन फुल कवरेज देता है, स्किन टेक्सचर नहीं दिखता है और बेस बिल्कुल फ्लॉलेस एंड स्मूथ हो जाता है। फाउंडेशन ट्रांसफर प्रूफ भी है। ये फाउंडेशन ड्यूई या ग्लोई नहीं है, बहुत मैट या ड्राई भी नहीं है, बस परफेक्ट है। और मेरे हिसाब से ये फाउंडेशन गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दिस फाउंडेशन कैन गिव एनी हाई एंड फाउंडेशन रन फॉर द मनी। ये मेबेलिन इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर सुपर हाइप प्रोडक्ट है। वैसे आई नो व्हाई, ये नायका का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और इसे लगभग 40,000 लोगों ने रेट किया है नायका पे। ये कंसीलर बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, कवरेज भी अच्छा देता है, स्किन पे बहुत हैवी या केकी भी नहीं लगता है और फाइन लाइंस को एनहांस भी नहीं करता है। इस कंसीलर को मैं खुद कई सालों से यूज कर रही हूँ एंड आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ दिस प्रोडक्ट। आजकल ये पिज्जा पाउडर पफ बहुत ट्रेंड में है और काफी हाइप है, तो आई बॉट दिस ब्रॉन्सन प्रोफेशनल पिज्जा पफ ट्राइंगुलर पाउडर पफ फॉर 147 rupees। दो पाउडर पफ का प्राइस 147 rupees बहुत ही रीजनेबल है। ये रेगुलर राउंड पाउडर पफ से सच में ज्यादा कन्वीनियंट है यूज करने में। पाउडर में डिप करके इसे मैंने अंडर आई बेक किया और ऑनेस्टली ट्राइंगुलर शेप होने की वजह से ये आईज के स्मॉलेस्ट कॉर्नर पे पहुंच रहा था, जैसे कि इनर कॉर्नर एक्सेट्रा। दिस वॉज सो कन्वीनियंट टू यूज कि मैं अब राउंड पफ की जगह इसे ही यूज करने वाली हूँ। तो मैं कई महीनों से देख रही हूँ इस चामे से मिलानो डियो क्रोमैटिक आई शेडो को लेकर बवाल मचा हुआ है, मतलब इतना हाइप है इस आई शेडो को लेकर। सो आई हैड टू टेस्ट इट।
ये एक डुओक्रोमैटिक आई शेडो है जो लाइट के साथ कलर चेंज करता है। मुझे लगा था शायद ये पिगमेंटेड नहीं होगा जैसे कि ज्यादातर मेटेलिक आई शेडो होते हैं, बट आई वॉज अमेज टू फाइंड इट्स सुपर पिगमेंटेशन। मतलब एक स्वाइप में फुल कलर पे ऑफ मिला मुझे, एंड कलर चेंज की तो बात ही मत पूछिए। ये कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी गोल्डन दिख रहा था, मतलब गजब है। के साथ ही मैंने डेली लाइफ फॉरएवर 52 का ट्विंकल स्टार फ्लेक्स आई शेडो भी मंगवाया था। ये फ्लेक्स मेकअप आर्टिस्ट में काफी पॉपुलर है, तो आई थॉट ऑफ टेस्टिंग इट टू। सबसे पहली बात, इसे हम बिना ग्लिटर ग्लू के नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, फ्लेक्स ऐसे हैं कि लगाते वक्त हर जगह उड़ रहा था। मैंने अंडर आई पे पाउडर लगाया था टू कैच द फॉल आउट, पर क्या बताऊं, लगाते वक्त ये पूरे फेस पे स्प्रेड हो गया। ना सिर्फ चेहरे पे बल्कि पूरे रूम में फ्लेक्स ही फ्लेक्स उड़ रहे थे, साथ में पिगमेंट पे ऑफ भी मुझे ठीक ठाक ही लगा। इन दोनों डुओक्रोमैटिक आई शेडो में से मुझे चामे से मिलानो विनर लगा, हैंड्स डाउन। वैसे इन दोनों प्रोडक्ट्स के प्राइस में भी काफी डिफरेंस है। चामे से मिलानो कम्स फॉर 1000 रुपीज एंड फॉरएवर 52 कम्स फॉर 479 रुपीज। नेक्स्ट, मैं तो बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही हाइप मस्कारा टेस्ट करना चाहती थी। फर्स्ट वन इज दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क कोलोसल मस्कारा विच रिटेल्स फॉर 449 रुपीज। ये भी एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और नायका पे इसे करीब 35,000 लोगों ने रेट किया है। इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। मुझे भी ये मस्कारा बहुत अच्छा लगा। लैशेज में वॉल्यूम एड करने के साथ साथ लैशेज को लेंथन भी करता है। ये मस्कारा एप्लीकेशन के बाद आई लैशेज क्लम्पी नहीं लगता है। दिस इज रियली वर्दी ऑफ द हाइप। सेकेंड मस्कारा है शुगर पॉप वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा विच रिटेल्स फॉर 284 रुपीज। इसको लेकर भी काफी हाइप है। मुझे इसका एप्लीकेटर वॉन्ड बहुत ही यूनिक लगा। ऐसा शेप होने की वजह से लोअर लैशेस पे मस्कारा अप्लाई करना इजी हो जाता है। ये मस्कारा लैशेस में वॉल्यूम जरूर ऐड करता है पर इन्हें लेंदी नहीं बनाता है। प्राइस वाइज ये बहुत ही अफोर्डेबल है, बट इन दोनों मस्कारा में से आई वुड गो फॉर मेबेलिन वन। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बहुत ही हाइप्ड एंड पॉपुलर है वो है ये स्विस ब्यूटी का सेट ऑफ 5 लैशेस विच रिटेल्स फॉर 325 रुपीज। मतलब 300 रुपए में 5 लैशेस इज क्वाइट अ गुड डील, बट आर दे वर्थ द हाइप? आई हैड टू चेक इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगा था कि सस्ते आई लैशेज हैं तो एवी ही होंगे, बट आई स्वेयर ये लैशेज इतने अच्छे निकले दैट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। लैशेज बहुत विस्पी एंड लाइट वेट है, लगाने के बाद आंखों पे बोझ सा नहीं लगता है और लैश बैंड भी काफी थिन और फ्लेक्सिबल है, इसीलिए इन्हें अटैच करना इजी हो जाता है। ये चीप प्लास्टिक की फॉल्सीज जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं और इस सेट में 5 डिफरेंट साइजेस के लैशेस आते हैं फॉर नेचुरल टू ग्लैम लुक। इस इनसाइड कॉस्मेटिक्स के ब्लश पैलेट को लेकर भी काफी हाइप है और ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इस पैलेट में 4 कलर ब्लशेस आते हैं एंड इट रिटेल्स फॉर 240 रुपीज। दिस इज अ वेरी वेरी अफोर्डेबल ब्लश पैलेट। मुझे इस ब्लश पैलेट का पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छा लगा। इसका ऑरेंज शेड भी काफी पिगमेंटेड है, ब्लश काफी लाइट वेट है, सॉफ्ट टेक्सचर्ड है और स्किन पे अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, पैची नहीं लगता है और इसके शेड्स इंडियन स्किन के लिए परफेक्ट है। डार्क से लेकर लाइट कॉम्प्लेक्शन पे ये शेड्स बहुत ही अच्छे लगेंगे। आई एम सुपर डुपर इम्प्रेस्ड विद दिस वन। ओ माय गॉड, इस मेबेलिन के ग्लॉस को लेकर लोग पागल हुए पड़े हैं। आई हैड टू नो व्हाई। दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क लिफ्टर ग्लॉस रिटेल्स फॉर ₹799 और ये क्लियर से लेकर कलर्ड फॉर्म में आता है। तो ग्लॉस एप्लीकेशन से पहले मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया था एंड फिर मैंने इसे लगाया एंड मैं इस ग्लॉस के पिगमेंटेशन को देखकर सरप्राइज्ड हो गई। व्हाट ब्यूटीफुल कलर इट वाज। ये लिप्स को सुपर ग्लॉसी एंड लश्वस बनाता है, पर ग्लॉस लगाने के बाद जो स्टिकी स्टिकी सा लगता है वो नहीं लगा इसे लगाकर। ये ग्लॉस ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, पर जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर एंड टेक्सचर आई गिव दिस वन 9 out of 10। So this is full face and hair with all the hyped and popular product jisme zyadatar are worthy of the hype. How did you all like this video? Let me know by your comment. Like, share and subscribe for more. I will see you in my next one. Till then, take care of yourself. Love you. Bye.